गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सिंह आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने सेंट पॉइंट के कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.3 चल रही थी हम लोगों की, तो एक्सरसाइज 7.3 में आज हम लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 14, 15, यानी हम यहाँ मार्क कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड देन 14, देन 12th, देन 9th, देन 14 हो गया है, देन 16, इस तरह के क्वेश्चन हम लेके चलेंगे आज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे किस तरह से करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर एट आपका है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप सोच सकते हैं कि इसको हम कैसे इंटीग्रेट करें, बताइए, कुछ सोचिए, कुछ दिमाग लगाइए। इसको हम कई मेथड से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस एक्स है, जैसे कि मैंने आपको बेसिक फॉर्मूले कुछ बताए थे, याद होगा आपको, और मैंने ये कहा था कि ये फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या फॉर्मूला था एक बार लिखा देते हैं फिर से। एक फॉर्मूला देखते हैं पास है, और इस स्क्रीन को हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक, स्टूडेंट फॉर्मूला था 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। एक फॉर्म तो ये था आपके पास, और जो दूसरा फॉर्मला था, ये दोनों फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले भी समझाया था। और जो दूसरा फॉर्मला था 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, राइट। तो स्टूडेंट देखिए, तो ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए कैसे करेंगे इसको हम, देखिए जो क्वेश्चन गिवन है इसको हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स वी कैन राइट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होल डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। व्हाट यू गेट, यू गेट इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, राइट। अच्छा, इस बात को आप ध्यान रखना, जितने भी इंटीग्रेशन होंगे जिनमें टेन स्क्वायर एक्स आएगा, टेन क्यूब एक्स आएगा, टेन की पावर 4 एक्स आएगा, कोशिश ये करना उसको हम सेक स्क्वायर में, किसी तरह कुछ टर्म्स को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमें पता है कि टेन एक्स होता है,
ये कैसे पता है, क्योंकि हमें पता है जो टेन एक्स होता है उसका डिफरेंशियल साइन स्क्वायर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो टेन स्क्वायर एक्स बाय टू है इसको हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस वन। राइट स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। जिन स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद नहीं है वो आप याद कर लेंगे, ये टेंथ क्लास में हमने पढ़ा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, किसी कोई दिक्कत तो ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ ये फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, तो अब जो ये जो sec square x by 2 है, ये जो x by 2 है, ये x by 2, इसको थोड़ी देर के लिए हम t मान लेते हैं, क्योंकि हमें पता है जो sec square t होता है उसका इंटीग्रेशन होता है tan t, तो इसको हम लिख सकते हैं tan t। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे एक्स बाई टू, और जिसको मैं टी एज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन एज ए डिनोमिनेटर आ जाएगा, ये मैं कई बार बता चाहूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस वन, माइनस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? एक्स होता है, प्लस कांस्टेंट टर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमारा आधे से ज़्यादा हो चुका है। ठीक, तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट आधे से ज़्यादा हो चुका हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये फाइनल जो आंसर आया हमारा, फाइनली जो आंसर आएगा क्या आएगा, देखिए फाइनली जो आंसर हो जाएगा हमारा, वो जाएगा टू टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, क्या हम इसको और भी मेथड से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के किसी भी एक क्वेश्चन को हम कई मेथड से कर सकते हैं। नहीं कि आपके सारे आंसर उसी एक जैसे आएंगे, लेकिन वो होंगे बराबर ही। एग्जैक्टली स्टूडेंट, जैसे इस क्वेश्चन को हम दूसरे ढंग से करने की कोशिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड वन माइनस कॉस एक्स वन प्लस कॉस एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, ये करना था हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं इसको, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से वन माइनस कॉस एक्स से अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या होता, देखिए हो जाएगा वन माइनस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स, हमने क्या कर दिया,
न्यूमरेटर को भी 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को भी 1 माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। क्या होगा इससे, हम देखिए 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट डीएक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, ये जगह 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सेकंड मैटर था, इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसको जो हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन, राइट, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय कॉस एक्स, राइट, प्लस ये कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, व्हाट यू गेट वन ओनली वन इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स, राइट। अब ये जो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होता है यू कैन राइट इट्स सेक स्क्वायर एक्स, राइट, और ये कॉस एक्स होता है 1 बाई कॉस क्या होता है सेक एक्स होता है, तो बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, राइट स्टूडेंट्स। मुझे बताइए कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 एक्स होता है, माइनस सबको याद होगा स्टूडेंट्स ये जो sec x है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कोई बताएगा स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है log of, बताइए क्या होता है, log of sec x plus 10 x plus 10 x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, राइट, प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार हमने इसको दूसरे मेथड से किया लेकिन ये आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों में मेथड करेक्ट है लेकिन अल्टीमेटली अगर हमको देखेंगे कि दोनों ही सेम आंसर होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को दो मेथड दो डिफरेंट डिफरेंट मेथड से किया, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। ये हमारा सॉल्यूशन था, ये दूसरा मेथड था, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका हम थोड़ा सा साइज छोटा करते हैं, ठीक, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन था हमारा, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ये जो फॉर्मूला है ये हमको याद रखना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू विल यूज दिस सेवरल टाइम्स, राइट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, तो आप इसे याद रखिएगा प्लीज़, बार बार यूज़ होगा, ये डिफरेंशिएशन में भी यूज़ होता है, इंटीग्रेशन में कई बार यूज़ होगा, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और कुछ कंसेप्ट समझते हैं साथ में, ठीक है। देखिए
थोड़ा कुछ कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट क्या है कि याद रखिएगा, हम आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं sec square x का, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या था स्टूडेंट्स, इसका होता है 10x और कॉन्स्टेंट वैल्यू लिखना है, के फॉर्म में लिखे या फिर सी की फॉर्म में लिखे, डजंट मैटर। तो अगर कोई भी इंटीग्रेशन 10 की फॉर्म में है और 10 की पावर में है, हम कोशिश ये करते हैं कि उसकी कुछ टर्म sec square के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स, आपको पता है कि 10 स्क्वायर एक्स को हम आसानी से sec square में बदल सकते हैं। तो व्हाट कैन राइट, व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट sec square x माइनस वन डी एक्स, राइट। और ये क्या होता है sec square x डी एक्स माइनस डी एक्स, ठीक है। और sec square x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है। और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। तो ये सब ध्यान रखना कि किसी भी टर्म्स में जो 10x की फॉर्म होगा उसका इंटीग्रेशन करने के लिए 10 की पावर की फॉर्म में होगा, हम कोशिश ये करते हैं किस में कन्वर्ट हो जाए, sec square में, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रहेगा आपको। तो ये तो था आपका पहला पॉइंट, स्टार्ट आ देते हैं सेकेंड पॉइंट। जैसे अगर इंटीग्रेशन होगा 10 क्यूब एक्स डी एक्स, तो स्टूडेंट्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर से वही बात, यू कैन राइट इट 10 स्क्वायर एक्स 10x dx, और 10 स्क्वायर एक्स वी कैन राइट प्लेस ऑफ 10 स्क्वायर एक्स। जैसे मैंने बताया कि आधी टर्म्स को आपने sec के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तो वी कैन राइट इट sec स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू 10x dx, राइट। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि sec स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, और 10x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है, इज दैट क्लियर। तो हम इनको साथ साथ लिखेंगे और लिख लेंगे इसको 10x sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, ठीक है स्टूडेंट्स। आ रहा है समझ में आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बॉक्स में लिख लेता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे आगे, हम देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है ये 10x है, इसका डिफरेंशिएशन आगे रखा हुआ है इसके आगे, यानी ये इस तरह की फॉर्म है, टी डी टी की फॉर्म है, राइट। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई वेरिएबल है और इसका डिफरेंशिएशन सामने रखा हो तो उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं हम लोग, राइट। तो अगर इसको हम टी मान लें, इसको टी मान लें नेक्स्ट को, तो इसका डिफरेंशिएशन सामने रखा हुआ है, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं टी डी टी, इंटीग्रेशन टी डी टी, और 10x का इंटीग्रेशन है, मतलब
और टी टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमें लर्न है। क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए भाई, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स? राइट, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए। टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ सेक एक्स, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग सेक एक्स प्लस सी। राइट, और इसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? टी मीन्स टेन, दिस इज योर टेन स्क्वायर टी बाई टू, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस log sec x plus c, so this is your answer, right? तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसका, tan cube x का, right? इसी तरह अगर tan की बार 4x होता है, जैसे कि एक्सरसाइज में भी दिया हुआ आपके क्वेश्चन, क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 16 है, टेन रेज टू 4 एक्स डी एच, इसका इंटीग्रेशन आपने करना है। तो मैंने जैसे कि समझाया था आप लोगों को, कुछ टर्म्स को आपने सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पता है कि सेक स्क्वायर एक्स किसका डेफिनेशन होता है? टेन एक्स का। तो अगर हम टेन एक्स को टी मान लेंगे तो उसका डी टी उसके सामने आपको नजर आएगा। तो देखिए समझ सकते हैं, टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स में बताइए? ठीक है, अब देखिए, अब ये टेन स्क्वायर एक्स है, ये टेन स्क्वायर एक्स है, तो इस टेन स्क्वायर एक्स को तो हम एज इट इज रख देंगे और इसको बदल देंगे हम सेक स्क्वायर की फॉर्म में। एंड वी नो वेरी वेल दैट टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, राइट। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। नाउ ये देखिए, इसको अगर हम टी एज्यूम कर लें तो इसका डिफरेंशिएशन सामने रखा हुआ है, राइट। तो इसको हम पूरी डिटेल में अगर करें, लेट t equal to 10x, this implies dt equal to sec square x dx, right? तो ये इसको पूरा डिटेल में लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, इतना टाइम की कमी की वजह से, ये समझ में आना चाहिए आपको। तो ये जो फर्स्ट टर्म होगी, ये दिस इज योर फर्स्ट टर्म, तो इसको मैं लिख सकता हूँ नाउ t square dt माइनस, अब ये 10 square x है, इस टेन स्क्वायर एक्स को हम फिर से सेक की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर, क्योंकि हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आसानी से मालूम है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स, राइट। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी हमें पता है कि साइड में ये इंटीग्रेशन का साइन भी आएगा, राइट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी की पावर थ्री बाई थ्री माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन एक्स माइनस ये वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट, राइट स्टूडेंट्स।
तो अब ये हेयर टी किसके बराबर था, टेन एक्स के, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया टेन क्यूब एक्स बाई थ्री माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 16 किए स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा से नजर दौड़ा लेते हैं इसमें कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये था आपका पास क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को? तो ये जो क्वेश्चन था आपका था क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को? किसी भी इसमें कोई दिक्कत? तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। एक बार देख लीजिए दोबारा से कैसे हमने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को। टेन की बार 4x था, इसको हमने ब्रेक कर लिया टेन स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर एक्स में। फिर हमने टेन स्क्वायर एक्स, मैंने समझाया था आपको कि आधी जो टर्म्स होती है इसको हम sec स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो इस टेन स्क्वायर एक्स को आसानी से हम सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस वन, राइट। इस ब्रैकेट को ओपन किया मैंने, व्हाट यू गेट, टेन स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स dx माइनस टेन स्क्वायर एक्स dx। अब ये जो इंटीग्रेशन है इस क्वेश्चन के अंदर दो टर्म्स है, दिस इज योर फर्स्ट टर्म एंड दिस इज योर सेकंड टर्म। इस टर्म में आप देख रहे हो कि टेन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ सामने रखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। तो इस टेन एक्स को हमने टी एज्यूम कर लिया, राइट। तो डी टी क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा। तो ये इसको हम मिल सकते हैं टी स्क्वायर डी टी माइनस, इसको मैंने एज इट इज रखा और sec स्क्वायर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमें पता है sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इस प्रकार से इस टेन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया sec स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी क्यू बाई थ्री माइनस sec स्क्वायर एक्स, किसका डिफरेंशिएशन होता है टेन एक्स का। इसका मतलब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह अगर ये क्वेश्चन होता, मान लो क्वेश्चन होता ये, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का नहीं है, ये होता टेन की पावर फाइव एक्स डी एक्स। तो इसी तरह से हम इसको ब्रेक कर लेते टेन क्यूब एक्स टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, राइट। और फिर इस टेन स्क्वायर एक्स को sec स्क्वायर एक्स माइनस वन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, दिस इज योर होमवर्क, राइट, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपने करना है और इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो यू कैन कॉल मी। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है यू कैन कॉल मी। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9th किस ढंग से किया हुआ देख लेते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9th में स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपने cos x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए, देखिए अगर मैं इसको टी मानता हूँ वन प्लस कॉस एक्स को, तो ऊपर क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस साइन एक्स, लेकिन ऊपर माइनस साइन एक्स नहीं है। ठीक है, तो क्या किया जा सकता है इसमें, देखिए इसको हम और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लिख कर सकते हैं, देखिए ऊपर कॉस एक्स है नीचे भी कॉस एक्स, लेकिन इसके साथ वन नहीं है न्यूमरेटर में। तो अगर मैं इस वन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये पूरी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, वन ऐड कर दिया
और वन को सेपरेट कर दिया, ठीक। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कर दिया। तो इससे क्या होगा देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने कर दिया। अब देखिए अब मैं इसको ले सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस कॉस एक्स, वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस वन बाई वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। ये आपस में टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, व्हाट यू गेट, यू गेट इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए या तो हम फॉर्मूला यूज कर लें, ये फॉर्मूला कई बार पढ़ चुके हैं, वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है, वन प्लस कॉस एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मैंने कहा था इसको आप लर्न करना होगा, ये कई बार यूज़ होगा, इसको लिखते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, राइट। और क्या किया जा सकता, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, तो ये बन गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो मैंने हाफ को बाहर निकाल लिया, मैंने कॉन्स्टेंट टर्म में अंदर लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स, राइट। ये फिर उसी फॉर्म में आ गया सेक स्क्वायर के फॉर्म में। अब देखिए स्टूडेंट, ये डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन मीन्स वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, तो मैंने इसको एक्स लिया माइनस हाफ, ये थीटा होना चाहिए था हमारे पास, ये एक्स बाई टू है, ठीक है। तो हमें पता है सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, इस एक्स बाई टू को थीटा मान लिया थीटा का, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन थीटा, तो हमने लिख दिया टेन थीटा, टेन थीटा, थीटा का मतलब क्या है एक्स बाई टू, और जिसको हमने थीटा एज्यूम किया था यानी एक्स बाई टू, उसका डिफ्रेंशिएशन एज ए डिनोमीटर आएगा। तो एक्स बाई टू का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वन बाई टू, राइट, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, राइट। और ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनली हमारा आंसर आ गया x माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस के, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे किया हम लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन था हमारा, तो देखिए ये कैसे किया तुमने, ठीक है, कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ट्वेल्थ में आपने करना है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स
plus cos x dx. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए. अगर हम वन प्लस कॉस एक्स का टी मानते हैं तो उसका डिफरेंस क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, जो कि इसके ऊपर नहीं लिखा हुआ. ठीक है, और क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में बताइए. इसको भी हम कई मेथड से कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर एक्स वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिनोमिनेटर को से भी मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट यू गेट साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. राइट स्टूडेंट्स, देखिए जो इसका ही मतलब हो गया साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय नाउ व्हाट इज वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स. ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. What you get only integration of 1 minus cos x dx and that is equal to is one ka integration kya hota hai x, cos x ka integration kya hota hai sin x plus constant term. Exactly answer. Is that clear students? Umeed karta hu aapko samajh mein aa raha hoga. एक बार इसको ध्यान से देखिएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका सॉल्यूशन है. ठीक, किसी भी स्टूडेंट कोई दिक्कत, तो ये आपका क्वेश्चन. ठीक है, अच्छा और भी कुछ किया जा सकता है इसमें? क्या और भी कोई दूसरा मेथड है करने का? बताइए. बता सकते हैं आप? इसको हम एक मेथड से और ट्राई कर सकते हैं. जैसे हमें पता है कि वन प्लस कॉस एक्स क्या होता है, वन प्लस कॉस एक्स होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट. और वन माइनस कॉस एक्स क्या होता है, ये होता है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट. अच्छा, क्या इससे कर सकते हैं इसको? इससे नहीं कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में वन प्लस कॉस एक्स लिखा हुआ तो ठीक है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा. लेकिन न्यूमरेटर में आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, तो इस फॉर्मेशन को नहीं कर पाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन की तरह बोलते हैं स्टूडेंट्स. अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये हमारा क्वेश्चन कौन सा था स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ. अब लेके चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बताइए स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन करें. क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राइट. देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इंटीग्रेशन करना आपने टेन क्यूब टू एक्स सेक टू एक्स का, राइट. इसका इंटीग्रेशन करना है आपने, तो
plus a y bar, a 10 cube to 2x, right? इसे ब्रेक कर लेंगे, इसे लिख सकते हैं हम 10 2x into 10 square 2x sec 2x dx, right? अब देखिए क्या sec 2x 10 2x sec theta 10 theta किसका डिफरेंशिएशन होता है? sec theta, अगर sec theta का डिफरेंशिएशन होता है तो हम क्या करेंगे, इसको sec में बदल देंगे, right? और sec को हम t मान लेंगे, जैसे कैसे कह रहा हूँ, देखिए इसको मैं पहले लिख लेता हूँ 10 square 2x को, या यूँ कहें कि ये square जो है यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, एक ही बात। तो ये 10 square 2x जो है इसको हम लिख सकते हैं sec square x minus 1 into 10 2x sec 2x dx। देखिए ये किसका डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन है sec का। तो इसके अलावा अगर sec को हम t मान लें तो बहुत इजी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट? तो पहले हम क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x 10 2x sec 2x, राइट? कोई दिक्कत किसी को? dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x 10 2x एंड dx। तो ये इंटीग्रेशन दो टर्म्स में बढ़ गया है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपकी सेकंड टर्म, राइट? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, sec 2x को t मान लेंगे फॉर दिस पोर्शन, ठीक है, लेट t इक्वल टू sec 2x। सो व्हाट इज योर dt by dx, sec थीटा का डिफरेंस क्या होता है बच्चों, sec थीटा tan थीटा, यानी sec 2x tan 2x इंटू 2। ये आपने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे ढंग से किया होगा तो मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। नाउ ये जो फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन का, वी कैन राइट इट नाउ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर, और ये क्या है, ये डी एक्स इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा डी टी की वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी टी। अगर हमने किसी भी इंटीग्रेशन में x वेरिएबल को t में कन्वर्ट किया है तो उसके हर टर्म्स t में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। जैसे आप देखिए कि ये जो सारी टर्म्स थी x में थी, अब ये सारी टर्म्स किस में आ गई, t की फॉर्म में आ गई, राइट? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x tan 2x dx, राइट स्टूडेंट्स? t स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 3/3 माइनस। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो, इस 2x तो क्या बन जाएगा, sec थीटा tan थीटा, और sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा, sec थीटा होता है, क्या होता है, sec थीटा, यू कैन राइट sec थीटा, थीटा मींस 2x, और जिसको हमने थीटा अज्यूम किया है उसके डिफरेंशिएशन को एज ए डिनोमिनेटर लिखेंगे प्लस कॉन्स्टेंट। What do you get? अब ये जो आंसर है ये t है ना, इस t को वापस हम sec x के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी x में कन्वर्ट करेंगे, तो इन प्लेस ऑफ दिस t वी कैन राइट हेयर फ्रॉम हेयर sec 2x, सो वी कैन राइट sec cube 2x बाय बाय 3 माइनस, व्हाट इज दिस, sec 2x बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इस प्रकार से आपने देखा कि हमने
क्वेश्चन नंबर 15 कर दिया है. दिस इज क्वेश्चन 15. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन 15. तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 15. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप क्वेश्चन नंबर 15. सबको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15. ये ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? ये आपको क्वेश्चन नंबर, ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स. बताइए कौन सा क्वेश्चन किया जाए. 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, 14 हो गया स्टूडेंट्स. आई थिंक 14 नहीं हुआ है, तो 14 कर लेते हैं. ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. वी के cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस sin 2x, राइट, विद रिस्पेक्ट टू. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन करना. तो अब इसमें क्या करना चाहिए आपको बताइए. तो इसको करने का जो तरीका है वो ये है स्टूडेंट्स. यहाँ पे साइन का जो एंगल है 2x है. ठीक है, यहाँ पे डिनोमीटर में जो एंगल है डबल एंगल की फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे सिर्फ x है. तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन होती है तो हम कोशिश करते हैं कि हर जगह जो एंगल हो सेम रहे. जैसे यहाँ पे 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, यहाँ भी 2x होना चाहिए. अगर यहाँ पे x है तो भी x होना चाहिए. क्या करेंगे इसके लिए? सभी स्टूडेंट को मालूम है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा. बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो आप लर्न कर लीजिएगा, कहीं जगह यूज़ होगा ये. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका कहीं जगह यूज़ होगा. सो यू शुड लर्न दिस, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, राइट. तो देखिए आप यहाँ पे cos x माइनस sin x है, राइट. तो अगर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा होता तो हम ये cos 2 थीटा लिख सकते थे. यहाँ जैसे 2x है उसी फॉर्म में ही आ जाता. तो अब क्या सोचना पड़ेगा कि क्या इस cos x माइनस sin x को हम cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x बना सकते हैं? बना तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, cos x प्लस sin x डिनोमीटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमीटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि आपका न्यूमरेटर तो बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर, यानी cos के फॉर्म आ जाएगा, लेकिन डिनोमीटर में एक सिंगल एक्स आ जाएगा जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट. तो अब क्या करते हैं, देखो इस तो इससे तो हो नहीं रहा, डबल एंगल में कन्वर्ट करने से तो नहीं हो रहा है. तो क्या करेंगे, इस 2x को हम सिंगल एंगल में बदल देंगे, 2x को इसको एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. कैसे करेंगे देखिए, इसे हम लिख सकते हैं cos x माइनस sin x
डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन टू एक्स क्या था स्टूडेंट्स, साइन टू एक्स होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स राइट। अब देखिए ये भी एक्स एंगल है और ये भी एक्स एंगल है, ये भी एक्स एंगल है, ये भी एक्स एंगल, सारे एंगल्स इक्वल और सेम हो गए ठीक है। अब यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, इस वन को हम क्या ले सकते हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय दिस वन कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स कॉस एक्स विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ न्यूमरेटर बन गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर में देखिए ये बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर राइट। ये बन गया आपके पास या कह सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अच्छा यहाँ पे मैं देखिए यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या फिर बी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखो, बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल राइट। अब देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं इसको टी एज्यूम कर लूँ तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ कैसे, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है राइट। क्या की है कि ये आपका जो डिनोमिनेटर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो लेट टी इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, व्हाट डी टी यू गेट, डी टी विल बी कॉस एक्स प्लस तो ध्यान रखना है हम लोगों ने ठीक। तो मैंने टी को क्या मान लिया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, अगर मैंने टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मान लिया तो डी टी क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ब्रैकेट डी एक्स राइट। तो इस तरह से ठीक है फ्रेंड्स, ये डेटी की वैल्यू आ गई ठीक है स्टूडेंट्स। तो सो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या डेटी, दिस इज योर डेटी राइट, डेटी बाय टू स्क्वायर राइट, एंड इट कैन बी रिटन एज टी रेस्ट पर माइनस टू डेटी। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन होता है टी की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन प्लस कांस्टेंट राइट। फाइनली हमारा आंसर क्या जाएगा, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस वन बाय माइनस वन प्लस कांस्टेंट यानी माइनस वन बाय टी प्लस कांस्टेंट। टी हमने क्या अज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये जगह स्टूडेंट्स माइनस वन बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट राइट। तो दिस इज योर आंसर। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत, तो ये हमने जो किया था क्वेश्चन 7.3 का 14 क्वेश्चन था एग्जैक्टली स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, एक बार देख लेते हैं दोबारा से क्या किया, क्या किया हमने।
तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट था ये, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हमने किया क्वेश्चन नंबर 14। देख लीजिए दोबारा से इसको कैसे किया हमने इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो ये क्वेश्चन 14, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार देख लीजिए आप लोग क्या किया हम लोगों ने, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए और कुछ हमने कंसेप्ट समझाए थे आपको सेक्स स्क्वायर थीटा के इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे इंटीग्रेशन के नए क्वेश्चंस के साथ। के लिए राजेंद्र सिंह को आप आगे दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक के लिए राजेंद्र सिंह को आगे दीजिए, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और किसी को भी किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो मैंने लिंक में आपको मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।